अल्केमिस्ट या कहें रसायन शास्त्री सदियों से जिस चीज की खोज कर रहे हैं वह है जागरूकता, वह अमृत, वह जादुई सूत्र जो तुम्हें इमॉर्टल, जो तुम्हें अमर बना देता है कि तुम मृत्यु के पार चले जाते हो। वास्तव में हर कोई अमर है, लेकिन हम एक नश्वर शरीर में रह रहे हैं। हम शरीर के इतने करीब हैं कि हम अपने को शरीर ही मानते हैं। शरीर को अलग देखने के लिए कोई दूरी नहीं है। हम शरीर में इतने डूबे हुए हैं, जड़े जमाए हुए हैं कि हम महसूस करने लगते हैं कि हम शरीर हैं, और फिर समस्या पैदा होती है। हम मृत्यु से डरने लगते हैं, फिर सभी डर, सभी डरावने सपने इसके साथ आते हैं। जागरूकता तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच दूरी पैदा करती है। ये तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों के प्रति सचेत बनाती है, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर मन एक इकाई है, मन शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। और जब तुम शरीर मन के प्रति जागरूक हो जाते हो तो तुम तुरंत जान जाते हो कि तुम दोनों से अलग हो, और दूरी शुरू होती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अमर हो, कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो मरता नहीं है, कि तुम समय का हिस्सा नहीं हो, तुम शाश्वत का हिस्सा, कि जीवन और मृत्यु का तुम हिस्सा नहीं हो, कि तुम हमेशा यहाँ रहे हो और हमेशा यहीं रहोगे। तुम कई शरीरों में रहे क्योंकि तुमने इसकी इच्छा और वासना की थी। हर इच्छा तुम्हें फिर से शरीर में वापस लाती है, क्योंकि बिना शरीर के कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अगर कोई भोजन के प्रति बहुत आसक्त है तो उसे शरीर की जरूरत होगी। बिना शरीर के तुम भोजन का आनंद नहीं ले सकते। आत्माओं के बारे में ये नहीं कहा जाता कि वह भोजन करती है। इसलिए जो व्यक्ति भोजन के लिए बहुत लालची है वह निश्चित रूप से शरीर में वापस आए, या जो व्यक्ति काम वासना के प्रति बहुत आसक्त है वह निश्चित रूप से शरीर में वापस आए। किसी भी इच्छा की पूर्ति की कोई संभावना नहीं। इसलिए जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम शरीर में वापस नहीं आओ, बल्कि अनंतता के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक चेतना में बने रहो। पूर्व में हम इसे निर्वाण कहते हैं, चेतना की परम अवस्था, जब किसी शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर से कैद होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इसे परम स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि शरीर में रहना एक बंधन है। बेशक ये एक बहुत ही सीमित चीज है और तुम असीमित हो। ये असीमित को शरीर की इतनी सीमित छोटी दुनिया में धकेलना है, इसलिए निरंतर तनाव, बेचैनी होती है। और कोई अपने आप को अपंग, कुचला हुआ, भीड़भाड़ वाला, कैद, जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता रहता है। हो सकता है कि कोई इसके बारे में ठीक से अवगत ना हो, लेकिन अस्पष्ट रूप से हर कोई महसूस करता है कि कुछ गलत है। हम अनंत हैं और शरीर की बहुत छोटी दुनिया के माध्यम से अस्तित्व का प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता तुम्हें शरीर से मुक्त करती है, और जिस क्षण तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, उसी क्षण शरीर के माध्यम से पूरी की जा सकने वाली सभी इच्छाएं भी गायब हो जाती है। ये एक अंधेरे कमरे में प्रकाश लाने जैसा है, अंधेरा गायब हो जाता है। जागरूकता प्रकाश की तरह काम करती है, और सभी इच्छाएं अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। साधना की प्रक्रिया से गुजरना एक रासायनिक घटना है। हमारी खोज उस परम रूपांतरण के लिए है जिसमें नश्वर अमृता का अनुभव करता है। प्रणाम।